एलन मस्क एक ऐसा नाम है जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। मेहनत हर इंसान अपनी जिंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत, जुनून और एक नए आइडिया के साथ आगे चलती है, तब कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया को अचंभित कर देता है। इस लिस्ट में एक नाम आता है पेपैल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मस्क का, जिनकी जिंदगी युवाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। फोर्ब्स ने 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में रखा था। एलन मस्क का जन्म 28 जून सन 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ। वह तीनों बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एरोल मस्क एक ब्रिटिश मूल के दक्षिण अफ्रीकी थे, जो पेशे से एक इंजीनियर थे। मस्क ने अपना बचपन दक्षिण अफ्रीका में बिताया और 9 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मिल गया। इससे एलन को प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी मिली और उन्होंने इसे स्वयं सीखना शुरू कर दिया। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पहले कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाई, जिसे बेचकर उन्होंने $500 कमाए। जिस तरह हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो भविष्य में उसके लिए मील का पत्थर साबित होती हैं, ऐसी ही कुछ घटनाएं एलन मस्क के जीवन में भी घटी, जिसके बाद उन्हें सफलता की दिशाएं प्राप्त हुई। सबसे पहली घटना थी 17 वर्ष की उम्र में उनका घर छोड़ने का निर्णय। प्रिटोरिया के एक माध्यमिक विद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने माता पिता के समर्थन के बिना अपना घर छोड़ने का फैसला किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने का फैसला किया। हालांकि वह तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं जा सके। सन 1989 में एलन मस्क अपनी माँ के रिश्तेदारों के पास कनाडा चले गए। कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने के बाद एलन मॉन्ट्रियल गए। पैसों की कमी के कारण उन्होंने कम वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने किंगस्टन और रेंटियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया। एलन मस्क ने 2 साल ओंटारियो में अध्ययन किया और फिर अंत में उनका सपना सच हो गया। सन 1992 में वह संयुक्त राज्य में स्थानांतरित हो गए। उसके बाद एक ऐसा समय भी आया जब एलन मस्क ने किशोर अवस्था में डिप्रेशन से जूझना शुरू कर दिया। तब उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक साहित्य को सक्रिय रूप से समझना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे मूल्यवान सबक उन्हें डगलस एडम्स की किताब द हिचाइकर गाइड टू द गैलेक्सी सीखा। मक्स ने सीखा कि सबसे मुश्किल चीज सही सवालों के साथ अपने आप को पेश करना है, और जिस दिन उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, बाकी सब उन्हें आसानी से प्राप्त होने लगा। जब मस्क कहते हैं कि जब मैं कॉलेज में था, मैं उन चीजों में शामिल होना चाहता था जो दुनिया को बदल सके। एलन मस्क ने सोचा कि इंसान को सही सवाल पूछने और उनका जवाब पाने के लिए अपनी चेतना की सीमाओं का विस्तार करना होगा, और इस तरह उन्होंने अपना सवाल पाया कि किस चीज का इंसान के भविष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। और मस्क ने पाया कि ये चीजें हैं इंटरनेट और अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण, यानी कि स्पेस कॉलोनाइजेशन। वे इन सभी में योगदान करने की कोशिश करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। जिप्टू एंड पेपल। सन 1995 की गर्मियों में एलन मस्क ने अपने जीवन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूलों में दाखिला लिया, ताकि वह भौतिकी और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन कर सकें। हालांकि 2 दिनों के बाद उन्होंने स्नातक विद्यालय छोड़ दिया और अपने भाई किम्बल मॉस के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली आईटी कंपनी जिप्टू बनाई। वह सुबह से देर रात तक काम किया करते थे। वो उसी जगह रहते और सोया करते थे जहां उन्होंने कार्यालय किराए पर लिया था, और नहाने के लिए उन्हें स्थानीय स्टेडियम के लॉकर रूम में जाना पड़ता था। इससे उन्होंने बचत जमा की और कंपनी को पहले 2 शुरुआती कठिन वर्षों में टिकाए सा रखा। उस समय इंटरनेट में तेजी से विकास हो रहा था। सन 1999 में सबसे बड़े सर्च इंजन उल्टा विस्टा ने जिप्टू को $307 मिलियन में और $34 मिलियन सिक्योरिटीज में खरीदा। यह सौदा एक कंपनी को नकदी में बेचने का एक रिकॉर्ड साबित गया। सन 99 में मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर काम करना शुरू किया। x.com स्टार्टअप उनका नया कारोबार बन गया। मार्च 2000 में x.com की एक प्रतिद्वंदी कंपनी
कॉन्फिनिटी के साथ विलय हो गया, जो पीटर थियल और मैक्स लेचिन द्वारा चलाई जा रही थी। 2001 में विलय के बाद एक स्टॉपकॉन का नाम बदलकर पेपैल रख दिया गया और एलन मस्क को पेपैल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी बना दिया गया। अक्टूबर 2002 में पेपैल को ईबे द्वारा $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया, यानी कि $1.5 बिलियन दोस्तों। बिक्री से पहले एलन मस्क का 11% पेपैल में स्टॉक था। पेपैल के बाद मस्क का अगला पड़ाव अंतरिक्ष था। हालांकि इन सब के लिए उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के जरिए उन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। एलन मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन यानी कि स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट कमर्शियल स्प्रेड ट्रेवल के लिए अंतरिक्षयान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। अब इसमें मुख्य सहयोगी समस्या प्रोजेक्ट पर लगने वाली भारी वितरण लागत थी। मस्क ने रशियन फेडरेशन के साथ इसके बारे में चर्चा की, लेकिन यह बात नहीं बन पाई। इसके बाद मस्क अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और स्पेसशिप्स के आइडिया के साथ दुनिया के सामने आए। उन्होंने अपने खुद के रॉकेट का डिजाइन और निर्माण करना शुरू किया। उनका मुख्य लक्ष्य था कि कम लागत में न सिर्फ रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाया जाए बल्कि उनका रीयूज भी किया जाए। 2006 से 2008 के बीच उनके पहले 3 उड़ान के प्रयास विफल रहे। 28 सितंबर सन 2008 को चौथे प्रयास के दौरान फैल्कन 1 अतत ऑर्बिट में पहुंच गया। यदि चौथा लॉन्च विफल होता तो स्पेसएक्स कभी भी अस्तित्व में नहीं आता। नासा इस उपलब्धियों से प्रभावित हुआ और अमरीकी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से उड़ान भरने के लिए $1.6 बिलियन के अनुबंध पर स्पेसएक्स के साथ समझौता कर लिया। 2003 में इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ट और मार्क टेपरिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। शुरुआत से कंपनी ने खुद को इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले सीरियल निर्माताओं के रूप में स्थापित कर लिया। मस्क ने इस आशंकाओं का काफी समर्थन किया। एलन मस्क 2004 में इस प्रोजेक्ट में आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में $70 मिलियन का निवेश किया। इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और चेयरमैन भी बनाया गया। एलन मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को डिजाइन करने में अहम योगदान दिया, जो ब्रिटिश लोटस एलिस पर आधारित टेस्ला रोडस्टर स्पोर्ट्स कार थी। जनवरी 2018 तक मस्क की कुल संपत्ति $20.9 अरब के करीब है। फोर्ब्स ने अपनी सूची में मस्क को दुनिया के 53वें सबसे अमीर व्यक्तियों के रूप में पेश किया है। दोस्तों, एलन मस्क की जिंदगी अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्होंने उस क्षेत्र में अपना परचम लहराया जिसकी उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग तक नहीं थी, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और लगन से किताबें पढ़कर उन्होंने अपने ज्ञान के स्तर को उन सीमाओं तक पहुंचाया जिसकी कल्पना भी करना हमारे लिए मुश्किल है। कई विफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। दोस्तों, आपको यह आर्टिकल कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे आने वाले सभी आर्टिकल्स को सीधे अपने इनबॉक्स में पाने के लिए हमें फ्री में YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।